दोस्तों, कोई भी फनी वीडियो हो, कॉमिक वीडियो हो, कॉमेडी की वीडियो हो, ये सारी वीडियो बिना मेम के कंप्लीट नहीं होती हैं, या बिना मेम के इसमें कॉमेडी या फनी या इस तरह का एलिमेंट नहीं आता है। तो कभी भी हम कॉमेडी वीडियो बना रहे हों, फनी वीडियो बना रहे हों, कॉमिक वीडियो बना रहे हों, तो उसमें हम लोग जो मेम फनी मेम बन चुके हैं उनका इस्तेमाल जरूर करते हैं, उनके बगैर ये वीडियोस अधूरी लगती हैं। तो दोस्तों, जो फनी मेम्स आज मैं लेके आया हूँ, यह मेम कैसे बने, किसके द्वारा ये क्रिएट करे गए और इसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन था, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो पूरी देखने के बाद फिर से एक बार तफसीली बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी एक तो अड़ता कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता और ना, ये कोनो मीम नहीं था, ये तो स्नेहा गिल का गुस्सा था, जिसको मीम का रूप तब मिला जब पैंडेमिक में जाने माने यूट्यूबर यशराज मुखाटे ने उस डायलॉग में अपनी क्रिएटिविटी ऐड की। तो अड़ता कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, और इसी क्रिएटिविटी की बदौलत है कि इस वीडियो को 72 मिलियन व्यूज मिले। यशराज पहले से ज्यादा पॉपुलर हुए और शहनाज जी सेंसेशन बन गई। इस सेंसेशन का भूत लोगों के सर पर इस कदर चढ़ा कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए दीपिका पादुकोण ने भी रणवीर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने इस मीम सॉन्ग पर ठुमके लगाए थे। वेल, आज ये मीम तो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, बट इस मीम की मेहरबानी से शहनाज गिल को सलमान खान की अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान में और 4-5 दूसरी मूवीज में रोल मिल चुका है, और शहनाज फिलहाल वहीं बिजी रहती हैं। बट वहीं एक मीम कैरेक्टर ऐसा है जिसका नाम अता पता सब गायब है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गोरमेत आंटी की, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अब उनके गायब होने के पीछे की क्या वजह थी और आखिर कैसे हमारे चहीते मीम्स कैरेक्टर अल्लाह को प्यारे हो गए, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, वो मोमेंट्स। ये चेहरा और ये मोमेंट, ये वो दो चीजें हैं जिसे आज शायद ही कोई रिलेट ना कर पाए, क्योंकि आज के हर जोक्स एंड हर रोस्ट के बाद ये मीम बेस्ट सूट करती है, वही डाली जाती है और वही देखी भी जाती है, जिसका पूरा सिलसिला शुरू हुआ था बैक ऑन May 25, 2011, तब जब यूट्यूबर मिस्टर ड्यूशन रॉ उर्फ सुपर हॉट फायर ने द रैप बैटल नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था। कहने को नाम रैप बैटल का दिया गया था, बट असल में उस वीडियो में बस 3-4 लाइन कही गई थी और उनको ह्यूमर एंड रिएक्शन का इमोशन ज्यादा दिया गया था। लाइक रॉ ने सबसे पहले अपने राइवल को उसके एक्स का नंबर देने की बात की, फिर उन्होंने उस राइवल को एक नोट थमाया और कहा साइक That's the wrong number। जिसके बाद रॉ कैमरा को देख फनी स्माइल देते और उनके दो शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ यहाँ वहाँ दौड़ लगाते। बट खैर, अच्छा हुआ वो लोग ये जोक जोक का खेल खेले, वरना शायद हमारे मीम वर्ल्ड में कभी भी ये वो मोमेंट्स वाला मीम आ ही नहीं पाता, है कि नहीं। जैसे ही ये मीम वायरल हुआ, रॉ के वीडियो ने 18 मिलियन व्यूज बटोर लिए, जिसके बाद जायज था गुरूर तो आना ही था, एज ये सब साल 2013 की बात है जब 18 मिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात होती थी। यही वजह है कि रॉ खुद को ऑफ द बेस्ट क्रिएटर मानने लगे और उन्होंने जमीन को छोड़ आसमान में उड़ना शुरू कर दिया था। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला, जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ वैसे ही उन्होंने खुद के इस गुरूर पर लगाम लगाने के लिए बैटल वीडियो डिलीट कर दिया और यूट्यूब पर से पॉज ले लिया, जिसके बाद उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई की, पर अफसोस वहाँ उनको वो सक्सेस नहीं मिली। यही वजह है कि साल 2021 में वो फिर एक बार यूट्यूब पर लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने इस कदर कंटेंट पोस्ट करने शुरू किए एज इफ वो कभी गायब ही ना हुए हो और कुछ हुआ ही ना। आप आज भी रॉक और रैप गाते और कॉमेडी ट्राई करते हुए यूट्यूब पर खोज सकते हो। अब फर्क बस इतना है कि उनमें वो आई एम द बेस्ट का गुरूर नहीं रहा। जहाँ फैक्ट भाई इतना ही कहेगा कि अंत भला तो सब भला। नंबर 2, हंसो और हंसाओ। आप मुतहर अनस को जानते हो? नहीं, वेल शायद आप पहचान लो। मुतहर यूपी के हैं, जो अभी कनाडा में रेजिडेंट हैं, और इस हंसी को उन्होंने वहीं पे शूट किया था। द थिंग इज, मुतहर साहब सम ऑर्डिनरी गेमर्स नाम के यूट्यूब चैनल के फाउंडर एंड क्रिएटर हैं। एंड August 31, 2016 को वो उसी चैनल पर काम करते हुए उन्होंने व्यावू स्क्रीमर क्रिंज के टाइटल से वीडियो अपलोड किया, जहां वो एक लो क्वालिटी जैपनीज हॉरर गेम खेल रहे थे और उसी गेम को खेलते हुए उनके मुंह से ये तेज और फनीएस्ट स्माइल एवर निकल गई। आई डोंट नो किसी ने उस गेम को नोटिस किया भी या नहीं, बट मुतहर की इस श्रिल
लाभ को देखने, तब से लेकर अब तक उस वीडियो पर 2.4 मिलियन प्लस लोग आ चुके हैं और शायद ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर जून 16, 2020 को एक अननोन इंस्टा यूजर बिग फ्लॉपर मीम पर मुतार का लाफिंग रिएक्शन पोस्ट नहीं करता। वो पोस्ट 88,100 व्यूज एंड 10,700 लाइक्स के साथ वायरल हुआ, जिसके कारण मुतार भी वायरल हुए और उस वायरल मीम पर मुतार ने खुद आई हैव द बेस्ट लव ऑन टिकटॉक के नाम से वीडियो तक अपलोड किया है, जहां वो खुद के ही मीम्स टेम्पलेट पर रिएक्ट कर रहे हैं। जी हां, मुतार ने अपनी ये हंसी और अपने यूट्यूब चैनल का साथ आज तक नहीं छोड़ा है। वो आज भी एक हंसते खेलते यूट्यूबर ही हैं, जो कनाडा में बैठे हंसते और हंसाते रहते हैं। नंबर 3, मारो मुझे मारो। पहले क्रिकेट फैंस सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वेट करते थे और अब वो लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ साथ इस शख्स का भी इंतजार करते हैं। मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। वेल, पाकिस्तान के इस दुखी आत्मा का नाम मोमिन साकिब है, जो कि एक यूट्यूबर है। शॉकिंग राइट, बट उससे ज्यादा शॉकिंग तो ये है कि इन जनाब ने अपनी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन से कंप्लीट की है, जहां वो बेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में एक हुआ करते थे और आज उसी बेस्ट स्टूडेंट को लोग एज अ जोक यूज करते हैं, विच इटसेल्फ इज अ जोक, क्योंकि साल 2019 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जब पाक हारी तब पाकिस्तान के सारे लोग दुखी थे, पर अगर उनसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो थे शीरशाह गुलाब जामुन। देखिए, करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। उस मैच से मोमिन जी इतने डिसअपॉइंटेड हुए कि उन्होंने ये तक कहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सरफराज ने धोखा दे दिया, सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी। और इनके इस पूरे डिसअपॉइंटमेंट को कवर किया था दुनिया मीडिया ग्रुप पीकेस जर्नलिस्ट अजहर जावेद इन मैनचेस्टर यूके। इस पूरे सिलसिले के बाद वो बार बार इंस्टा पे दिख जाया करते थे और लोगों को अगर किसी चीज का इंतजार था तो वो था मोमिन का फिर एक बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आने का, और लोगों की ये आस पूरी हुई एशिया कप 2022 में। इस मैच के लिए जितने मोमिन के फैंस एक्साइटेड थे उतने ही मोमिन साहब भी एक्साइटेड थे, पर अफसोस उनका वो एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और बीच मैच में ये उनके बीपी का कांटा ऊपर नीचे होने लगा था। एंड ऑब्वियसली एज वी नो कि उस दिन मैच इंडिया जीत गई थी, जिसके लिए मोमिन ने विराट को कॉन्ग्रेचुलेट किया और पांड्या की तारीफ भी की थी, बट डीप डाउन उनकी हालत कुछ ऐसी थी। नंबर 4, गवर्नमेंट आंटी। दुनिया वालों सुनो, पाकिस्तान के कराची के एक पीड़ित औरत की गूंज सुनो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये मीम वर्ल्ड में मशहूर हुई गूंज पाकिस्तान के वक्त न्यूज के एक इंटरव्यू में कवर हुई और जल्द वहां से डिलीट भी कर दी गई। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि उस इंटरव्यू में आंटी जी ने बिन कुछ सोचे समझे ही गंदी से गंदी गालियां दी वहां की गवर्नमेंट को। ऐसे में तो जो उनकी बची खुची इज्जत है वो भी निकल जाती ना, इसीलिए डिलीट कर दिया गया। बट ये वीडियो फिर एक बार अपलोड हुआ ऑन सितंबर 3, 2015। यूट्यूब चैनल स्टाइलिश एक्स ने उसी आंटी जी का ओजी वीडियो वक्त न्यूज डिलीटेड फनी क्लिप वीमेन अब्यूज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से अपलोड किया, जिसने अपलोड होते ही 1 मिलियन व्यूज जमा कर लिए और जल्द फिर एक बार गवर्नमेंट साइट द्वारा डिलीट भी कर दिया गया। पर क्या फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। एक और गवर्नमेंट आंटी ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पोस्टर, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के स्टिकर्स और प्रोमिनेंट कॉमेडी ग्रुप ऑल इंडिया बकचोद AIB के ट्वीट्स पर नजर आने लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर से जितने जितने वो फेमस हो रहे थे उतनी उतनी ही उनकी फैमिली और उनके देश की इज्जत निकलने लगी थी। अब देश की इज्जत क्यों निकली वो बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ सीधे उनके फैमिली इश्यूज की। वेल, साल 2017 में आंटी जी के बेटे ने पाकिस्तान समा टीवी पर एक इंटरव्यू दिया था, जहाँ उन्होंने बताया कि उनके मॉम के स्टेटमेंट्स के कारण वो अब एक जोक बन चुके हैं और लोग उन पे हंसते हैं। यही वजह है कि अब ना वो कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर पा रहे हैं और ना ही कोई उनके घर की बेटियों से निकाह करने को राजी हो रहा है। बेसिकली दे वर टारगेटेड बाय देयर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, इतना कि उनका घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो चुका है। और शायद यही वजह है कि साल 2017 के बाद से अब तक गूगल भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि उस गवर्नमेंट आंटी का नाम क्या था, अभी वो कहाँ है और अभी वो क्या कर रही हैं। नंबर 5, छोटी बच्ची हो क्या भैया। किसी चीज को ट्रेंड बनने में और किसी ट्रेंड को मीम बनने में देर नहीं लगती, लाइक XYZ रीजंस की वजह से टाइगर ट्रेंड में आया और फिर टाइगर के डेब्यू मूवी हीरोपंती का ये डायलॉग छोटी बच्ची हो क्या मीम बना और उसी के साथ टाइगर भी मीम बन गया। इट वॉज वेंट लाइक अगर किसी ने गंदा जोक मारा तो कोई जिम में वेट्स नहीं उठा पाए, तो कोई तीखा खाना नहीं खा पा रहा है, तो सब जगह इट वॉज एंड छोटी बच्ची हो क्या। इस पूरे सिलसिले का श्रेय जाता है इंस्टाग्राम कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट दीपेंद्र सिंह को। एक्चुअली ऑन अप्रैल 5, 2021 दीपेंद्र को ना जाने सोते सोते ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल DS एंटरटेनमेंट पर टाइगर की मिमिक्री का मजाक ज्यादा बनाते हुए छोटी बच्चियों क्या को मिमिक किया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकला
मिला। छोटी बच्ची हो क्या? और जब रिजल्ट ही इतना फनी हो तो उसको 8.4 मिलियन व्यूज एंड 6 लाख लाइक्स तो मिलना ही था। नतीजा दीपेन जी और उनका ये मीम वायरल हो गया, फिर तो क्या था। इस सब को देख टाइगर भी खुद को रोक ना पाए और जब साल 2022 में उनके डेब्यू मूवी का पार्ट 2 रिलीज होने वाला था तब प्रेस इवेंट में उन्होंने दीपेंद्र सिंह को भी इन्वाइट किया था और वहाँ स्टेज पर भी वो अपने इस आइकॉनिक डायलॉग को बोलने में नहीं कतराए। इनफैक्ट जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तब उन्होंने दीपेंद्र के साथ कोलैब कर ये किया, जिसकी वजह से आज दीपेंद्र भी फेमस यूट्यूबर बन गए हैं। मतलब कि पहले दीपेंद्र ने टाइगर को फेमस किया और फिर टाइगर ने दीपेंद्र को। वाह, जोड़ी हो तो ऐसी भैया, वरना ना ही हो। वाह वाह वाह। शायद ही कोई जानता होगा कि ये चहरीता मीम कैरेक्टर आमिर लियाकत असल में किसी शो के पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, कॉलमनिस्ट एंड टेलीविजन होस्ट थे। द थिंग इज कि आमिर के अबू शेख लियाकत हुसैन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है तो वहीं उनकी अम्मी कॉलमनिस्ट महमूदा सुल्ताना है, जो उस हिसाब से उनका भी इसी फील्ड में आना तो बनता ही था। और वैसा ही हुआ। फ्रॉम 2002-2007 आमिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स के हिस्सा रहे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज को सर्व किया था, जिसके बाद अगस्त 2018 से वो द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए थे। हालांकि पॉलिटिशियन से ज्यादा उन्होंने टीवी होस्ट बनने पर ज्यादा फोकस रखा था, इतना कि वो द 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम वर्ल्ड वाइड में 3 बार लिस्टेड हुए थे, क्योंकि ही वाज टॉप रैंकिंग टीवी एंकर। आल्सो होस्टिंग की वजह से ही तो आमिर नथिंग से समथिंग बने। जब वो होस्टिंग कर रहे थे तब उन्होंने गेस्ट की तारीफ करते हुए इस कदर रिएक्ट किया जिसके बाद वो वायरल हो गए, फेमस हो गए और उसके बाद से ओवर एक्टिंग एंड होस्टिंग छोड़ ओवर एक्टिंग करने लगे। स्टिल उनके फैंस उनको देखना पसंद कर रहे थे, बट अफसोस वो उन्हें ज्यादा देर तक देख नहीं पाए क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से 9 जून 2022 को आमिर अपने ही रूम में जनरेटर से फैले हुए धुएं की वजह से सफोकेशन की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जहां सवाल उठता है कि अगर उनको सफोकेशन महसूस हुआ तो वो रूम से बाहर क्यों नहीं निकल आए, क्या ये सच में नेचुरल डेथ थी या वेल, बताइए आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए साथ बनाए रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।